राजस्थान के अंदर चर्चा हो, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दों को हम लोग विपक्ष उठाते सदन के अंदर, तो जो जवाब आते हैं सत्ता पक्ष के वो संतोषजनक नहीं है। आज पूरे प्रदेश में त्राई बिजली पाई और उसका संतोषजनक जवाब कोई मंत्री देने का। मुझे लगता है कि माननीय स्पीकर महोदय इस बात से संतुष्ट होंगे कि जिस प्रकार के सवाल उठते हैं और जिस गहन अध्ययन के बाद सोच समझ के जवाब देने चाहिए सदन में आते नहीं है। चर्चा भी होती है तो जब आपने भाषण सुने हैं वो लिपापोती हो रही है। और जब डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा हुई थी, सब लोगों ने बात की, वो खुद ही लंबा भाषण दिया, लेकिन जो प्रदेश में 8 महीने में माहौल बन गया है वहाँ पर हम देख रहे हैं। अभी भी मैं देख रहा था कि जहाँ तक नौकरियों की बात है, सरकार ने बोला कि 4 लाख नौकरी देने के लिए संकल्पित। अब संकल्प लेने से कुछ नहीं होगा, आपको तो नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा और बच्चों को लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी। तो पुरानी सरकार की जो नौकरी थी उनको अपना बता के कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो बिजली पानी है, जो उम्मीद लोगों की इस सरकार से, उसको पूरा करना चाहिए। हम एक सकारात्मक विपक्ष का रोल निभा रहे हैं और अपना मजबूती से रख रहे हैं। और हमारा काम भी है, विपक्ष का काम होता है कि सदन के अंदर सरकार की जवाबदेही तय करना, सवाल पूछना हमारा अधिकार है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि संतोषजनक जवाब दिया जाए ताकि जनप्रतिनिधि संतुष्ट हो और पब्लिक को मैसेज जाए कि सरकार काम कर रही है। कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में नेता गए थे, खिलाड़ी राम बेरवा जैसे नेता वापस आने लगे हैं, क्या कारण मानते हैं कि इतनी जल्दी? वो आश्चर्य नहीं है कि जो वहाँ गए हैं, अब मुझे लगता है और भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो उस सिस्टम में फिट नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा अगर किसी दल में है वो कांग्रेस पार्टी में है। सब वर्गों को, और जैसा राहुल गांधी सदन में बोल रहे हैं कि सब समाज, सब धर्म, सब जाति बिरादरी और सब कश्मीरी के लोग अगर आगे आएंगे, हिंदी होगी, हमें वास्तविकता पता पड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी ने भी एक कमिटमेंट किया है, सबसे बड़ा कमिटमेंट तो ये था कि हम सेंसस कराएंगे, दूसरा कि किसानों को एमएसपी के लिए हम कानून बनाएंगे। दोनों बातों को केंद्र की सरकार ने नकार दिया है और इसका उनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो पब्लिक की डिमांड है किसान को आप एमएसपी पे एक कानून बना के उनको सुनिश्चित करें ताकि उचित मूल्य को मिले। और मुझे बड़ा खेद है जिस प्रकार के वक्तव्य कल सदन में दिए गए, विपक्ष के नेताओं के द्वारा राहुल गांधी जी को टारगेट किया गया, जाति धर्म समाज की बात करना संसदीय प्रणाली में शोभा नहीं देता। और ये कहीं ना कहीं जो इनको जनादेश नहीं मिला, एक माइनॉरिटी सरकार है, एक मिलजुली सरकार है, उसका पीड़ा भी है जो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में सेटबैक हुआ है बीजेपी को, उसको बचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को टारगेट कर रहे हैं। और कल जो अनुराग ठाकुर जी ने बोला, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया सदन के अंदर और उनका संकेत राहुल गांधी की तरफ था, वो निंदनीय है। और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मैं समझता हूँ किसी को नहीं करना चाहिए, खासकर वो लोग संसद में बैठे। और किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, अनुशासन की कमेटी है और समझौता से बात करके पार्टी का निर्णय होगा किसको कहाँ पे स्थान देना है। लेकिन मैं मोटे रूप से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से सरकार केंद्र में चलाई है और अब यहाँ पर राजस्थान में सरकार बनी 8 महीने में। हर तरफ आप देख लीजिए, जो उदयपुर में घटनाक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं चूक थी सरकार की। और जब विपक्ष में थे तो आप लॉ एंड ऑर्डर को, महिला उत्पीड़न हो, बच्चों के साथ अन्याय की बात हो, लूटपाट की घटनाएं हो और अराजकता जो लगातार फैल रही है, उसको कंट्रोल करने में सरकार नाकामयाब इसलिए है क्योंकि मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं, वहाँ पता नहीं कि एक्चुअली में सरकार चला कौन रहा है, सब निर्देश दिल्ली से आते हैं और कहीं ना कहीं ये अफसरशाही हावी हो रही है सरकार के ऊपर, ऐसे आम जनता की धारणा बन चुकी है। देखिए, राजनीति में अच्छे शब्दों की आप बात करते रहे हमेशा कि राजनीतिक शुचिता बनती रहे, लेकिन शांति धारीवाल जी के वक्तव्य को लेकर जो उस प्रकरण का संज्ञान स्पीकर साहब ने लिया और उसपे जो धारीवाल जी को उन्होंने माफी मांग ली और उनको जो रूलिंग देनी थी स्पीकर साहब ने दे दी है। लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल आज भी कायम हूँ, कोई व्यक्ति हो, किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, लेकिन अशोभनीय भाषा, शब्दावली का चयन बहुत महत्वपूर्ण है पब्लिक लाइफ के अंदर और सबको उसका संज्ञान। धारीवाल जी बार बार गलती करते हैं। गलती की तो माफी मांग ली है, बाकी तो 5 सीटों पर से बचा जाना चाहिए क्योंकि इससे जो नई पीढ़ी है उस पर एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। सर, आपने स्कूल का उद्घाटन किया तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैचारिक दृष्टि से देश को कैसे, वैचारिक दृष्टि से देश को किस प्रकार के राजनीति इस देश में मैं हमेशा भी कहता हूँ कि नौजवान इस देश का भविष्य नहीं है, वर्तमान है। और नौजवान पीढ़ी को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अपने पृष्ठभूमि की पहचान और अपना गर्व होना चाहिए। और इस देश में उन शक्तियों को ताकत मिलनी चाहिए जो लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जो ताकतें लोगों को जोड़ना चाहती है। वो इस 21वीं शताब्दी के भारत को समझ नहीं पा रहे। और हमारा ये संकल्प है कि राजनीति से ऊपर उठकर हम लोगों को सामाजिक जीवन में, पब्लिक लाइफ के अंदर एक भाग प्रस्तुत करना चाहिए। चुनाव के समय अपनी प्रतिस्पर्धा होती है, अपनी बात रखनी चाहिए और विचारधारा के आधार पर, एजेंडा के आधार पर, प्रोग्राम के आधार पर लोग अपनी सरकारें बनाते, बिगाड़ते हैं। लेकिन जो लोग राजनीति में हैं उनको हमेशा देश के समर्पित रहकर काम करना चाहिए। और नौजवान पीढ़ी आज बहुत जागरूक है, उत्साहित है और देश के लिए कुछ करना चाहिए। उनको संसाधन और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पांच सीटों पर चुनाव है, उपचुनाव जो है पांचों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि जो परिणाम आए राजस्थान में, बीजेपी को प्लेटफॉर्म हम लोग लेकर आए, हमको हमारे सीटों ने संकट कर दिखाया और पांचों सीटों पर बीजेपी हारी। आपको आप युवाओं की आवाज उठाते हैं पांचों सीटों पर, क्या युवा उम्मीदवार होंगे? जो जीतने वाला होगा उसको टिकट दिया जाएगा, सबसे चर्चा करी जाएगी, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। दल निर्णय करता है किसको चुनाव लाना है। लेकिन जो आज माहौल बना हुआ है, जो बेरुखी जनता में हो गई है सिर्फ मात्र 7-8 महीने में भाजपा सरकार से, उसको देखते हुए लगता है कि अच्छी बहुमत के साथ बीजेपी कार्यक्रम। क्या लगता है बजट में आपके इलाके की पूरे जिले से अनदेखी हुई है? अब ऐसा है, वो तो जो बजट था हम सब सुन रहे थे, लेकिन उसमें विवरण दिए नहीं गए और वो अधिकारियों ने एक तरह से जो टाइप पहले करते थे सरकार के लिए, वही अधिकारी टाइप बजट पास कर रहे हैं। घोषणाओं तो बहुत सुन ली हम लोगों ने, धरातल पे क्या उतरेगा, क्या वो पैसा वो खर्च करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, क्या वो संसाधन लोगों को दिला पाएंगे, नहीं दिला पाएंगे। अभी लंबी घोषणा बजट स्पीच में करी है दोनों ने, मुख्यमंत्री जी ने, उपमुख्यमंत्री जी ने, लेकिन धरातल पर उतरने का कोई रूपरेखा नहीं देखी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं मानता हूँ, दो सरकारें हैं, केंद्र के राज्य की, बजट दोनों के आ गए। किसी भी सरकार ने, केंद्र राज्य ने, महंगाई को कम करने के लिए कोई उपाय ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी। इसका खेत मुझे है कि आज आम जन की कमर टूट रही है, जो मध्यम वर्ग है, गरीब तबका है, उसके पर डाका डाला जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास भी सरकार नहीं कर रही है। तो निश्चित रूप से आज बड़े परेशान है, दुखी है। ईआरसीपी को भी भूल गए लगता है, ईआरसीपी को भी भूल गए। ईआरसीपी को तो सिर्फ चुनाव के टाइम उठाया था, केंद्र सरकार ने जिक्र तक नहीं किया। और आज भी जो सदन के अंदर सरकार की तरफ आश्वासन आ रहे हैं उसमें कोई बजट का केंद्र सरकार प्रोविजन नहीं है। हमने कहा राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दीजिए, वो बिहार को दे सकते हैं, आंध्र प्रदेश को दे सकते हैं। और हमारा कोई झगड़ा नहीं है बिहार के, आंध्र के लोगों से, लेकिन सिर्फ दो राज्यों को सारा पैसा देकर 1 लाख करोड़ रुपया दिया है दो राज्यों को। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा ये सरकार बचाओ बजट है, बाकी राज्यों का हित छीन के आप किसी और राज्य को दें, सिर्फ पॉलिटिकल झूठे आश्वासन देने का काम करेंगे, उसको जनता समझ लेगी।